आपने देखा था रिपोर्ट मेरा? हाँ देख लिया देख लिया, कुछ नहीं है, खास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको करते रहो। इस लीवर की प्रॉब्लम के साथ में कई बार ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। अगर आप इसके यूट्यूब वीडियो देखना शुरू करो ना, फैटी लीवर के अंदर कोई 10 साल के अंदर भी ठीक होने की उम्मीद नहीं होती। और आपको 3600 रेस्ट्रिक्शन बोले गए, मैंने आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोली हुई। मेरा एक और किसी को इसी तरीके के, मेरे ख्याल से उसके एंजाइम आपसे भी ज्यादा हाई थे, ठीक है। और वो शायद फैटी लीवर ग्रेड 2 था, आपका 1 है अभी, तो इसलिए उसको 3 महीने लगे थे और आज की डेट में उसने टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। एंड अदरवाइज ऑल्सो जो फीलिंग होती है ना ठीक होने की, वो आ जाती है जल्दी से। आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं आपको आज या कल उसका नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप बात कर लेना। अच्छा सर, एक चीज और सर पूछना था, वेट थोड़ा लूज हुआ है मतलब? सी देखो, उनका भी वेट लूज हुआ था, 2-3-4 किलो मुझे नहीं मालूम, पर फाइनल उनका मेरे ख्याल से उनका फाइनल रिपोर्ट है 5 किलो वेट गेन कर लिया वापिस। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो मेन फोकस है ना, मेन फोकस है वो डाइजेशन पर होता है। और डाइजेशन ठीक होगा, आप जो खाओगे वो लगेगा तो वेट बढ़ेगा, और अगर वो बिना डाइजेस्ट हुए निकलेगा तो वो वेट लूज करेगा, आपके शरीर से कुछ लेके ही जाएगा वो। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है मतलब? ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसी का निशानी होती है ना, कि आपका कॉन्स्टिपेशन कहे या कुछ भी कहे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए टोटल एनर्जी का 20-25% चाहिए। आपके कॉन्स्टिपेशन से मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो खाना आगे सरकेगा नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन होगी होगी। सब घूम फिर के वही आता है, और ये वन क्योर फॉर ऑल डिसीज है एंड इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। मतलब दुनिया की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तकलीफ हो, आपको डिस्कम्फर्ट हो, आप फिर भी आंख बंद करके करते रहो। आप कॉल करो, डिस्कस करो, और उसका जो पानी जैसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, मतलब 4 ग्लास कर दिया है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा, आप 4 करो 6 करो कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो प्रोग्राम भेजा हुआ है उसमें भी 4 ग्लास का भी है, 3 ग्लास का भी है, 6 का भी है 10 का भी है, ठीक है। जितना हो सके उसके क्लोज चलो, 1-2 गिलास इधर उधर होने से कुछ नहीं होता। पर कोशिश ये करो कि अगर मैंने स्ट्रेस किया है कि खाने से पहले पी लो या खाने के साथ पियो, खाने के बाद मत पियो। जहां तक हो सके उसको फॉलो करो। अब आप 1 गिलास फालतू लेते हो, 2 गिलास फालतू लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है, किसी दिन आपने बाहर ज्यादा घूम लिया। दिल्ली में तो सर बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मई जून में तो और भी ज्यादा होगा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप 2-4 गिलास फालतू पी लो, उससे कुछ नहीं होता। वो वक्त की बात है, एक दिन पी लिया दूसरे दिन एडजस्ट कर लो, दूसरे दिन घर से बाहर नहीं, मान लो संडे को बाहर नहीं जा रहे घर से, उस दिन एडजस्ट कर लो। तो इसको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैंने इसको इसलिए बनाया हुआ है कि अगर मैं उसको किसी को वैसे बताता हूँ ना तो वो बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, ये कैसे करूं वो कैसे करूं, 50 बार फोन आएगा। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल है, इसको एक्जैक्टली 100% ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर थ्योरी क्या है कि पानी फ्लक्चुएट करना चाहिए, रोज एक जैसा पानी नहीं पीना चाहिए, वो एक है। और दूसरा है कि पहले और खाने के साथ पियो, बाद में मत पियो। बाद में सर कितना बाद में? नहीं मतलब बस कभी नहीं, बस अगले खाने से पहले पी लो, 5 घंटे के बाद पी लो। आपने 6 घंटे गैप रखा हुआ है, या मान लो किसी दिन 6 घंटे का नहीं रहता आपसे, 5 घंटे का रहता है, तो 4.5 घंटे पहले पी लो, 4.5 घंटे के बाद पी लो। अच्छा अच्छा ठीक है, खाने से आधा घंटा पहले कब से? उनसे पूछूंगा थोड़ा सा। हाँ, आप उसकी रिपोर्ट भी शेयर मतलब मंगा सकते हो, इनफैक्ट मेरे को भी शेयर की हुई है, रिपोर्ट भी दे सकता हूँ। मतलब उसके आपको पूरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोला, लोग ऐसे भी करते हैं। मेरा ना क्या बोलता हूँ मैं, 8-9 साल हो गए सर, 30 लीवर ग्रेड 1 ही है, ऊपर से एंजाइम्स भी आगे बढ़े हुए रहते हैं, तो डॉक्टर ने तो सर डरा ही दिया मुझे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दवाई बता दी है, बहुत कुछ बता दिया आपको, स्टैटिन वगैरह का कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा सारा कुछ, लाइन अप हो जाएगा 3-4 महीने में। मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट हो जाएगा, पर 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा सर। ठीक है सर। स्मोकिंग सर? स्मोकिंग का किसका? स्मोकिंग? हाँ वो करते रहो, कभी 10 हो गया, कभी 12 हो गया, कभी 20 भी कर लेना, वो भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 15 ही करने हैं। पर ये है कि कुछ ना कुछ करते रहो, मिनिमम 5-10 तो 10 के करीब तो कर लिया करो, 7-8-5 जो भी होगा, अगर एक दिन कम हो 10 हो जाए तो अगले दिन 20 भी कर लो, 15 कर लो, कवर अप करते रहो उसको। जिस दिन आप पार्टी कर लो, कुछ कर लो, आपको लगे कि आज गड़बड़ हो गई है, तो नेक्स्ट डे उसको कवर अप कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। और रोक तो किसी चीज की नहीं, पार्टी जाना है, एंजॉय करो, जो मर्जी करो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी।